एकुंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द क्वेश्चन नंबर 12th and 13th। ध्यान से देखिएगा 10, 12.3 क्वेश्चन नंबर 12th and 13th। सो 12th और 13th क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 12th क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपके पास ये फिगर दे रखी है, इसमें ये एंगल 30 डिग्री का है एंड ये पूरी हमारे को 21 सेंटीमीटर दी रखी है और ये हमारे को 7 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी डायमेंशन। और हमारे पास ये शेडेड रीजन है, हमारे को ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है बेसिकली। तो बेसिकली ये शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा कैसे? एरिया ऑफ पूरा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये छोटा सेक्टर, मीन्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू शेडेड रीजन का एरिया निकालना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा कैसे? एरिया ऑफ पूरा बिग सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। बिग सेक्टर में के एरिया में से हम स्मॉल सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर मींस यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, मींस मैंने आपको बोला कि एरिया ऑफ ये शेडेड रीजन पूरा बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दें। और ये बड़ा सेक्टर क्या होगा हमारे पास? थीटा अपॉन 360 पाई वटा स्क्वायर। और छोटा सेक्टर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर। थीटा क्या हो गया? 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21/10। थीटा 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस छोटे वाला कितना है? 7 का स्क्वायर। सो ये 0 के साथ 0 कट, 6 6 36, और मेरे पास क्या रह गया? 1/6 इंटू 22/7 और रेडियस 21 का स्क्वायर क्या होगा? 21 इंटू 21। यहाँ पे भी 6 1 6 6 6 36, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 7 3 20, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास क्या आ गया? 2 3 1। यहाँ पे इसके साथ कट गया, 2 1 2, 2 3 6, मेरे पास ये कितना आ गया? 77/3। एलसीएम ले लेंगे 3, सो 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 693 माइनस 77/3। 693 में से 77 माइनस करेंगे, 13 माइनस 7 6, 8 माइनस 7 1, और 6 1 6/3। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सो 12th क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। अब 13th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता होता है। 13th क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 12.3 का 13th क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो 13th क्वेश्चन 12.3 एक्सरसाइज, आपको ये फिगर दे रखी है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है दिया हुआ है और इसके बीच में एक स्क्वायर पड़ा है और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये स्क्वायर की साइड दे रखी है। सो क्वेश्चन में हमारे को ये क्वाड्रेंट दे रखा है और ये हमारे पास ओ ए बी सी क्यू एंड पी, हमारे को ये शेडेड रीजन निकालना। हमारे को क्या दे क्या रखा हुआ है? इस स्क्वायर की साइड दे रखी है, ये स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है हमारे को क्वेश्चन में? 20 सेंटीमीटर। तो ये सारी साइड्स 20 होंगी, ओ ए 20 दिया है तो स्क्वायर है तो सारी साइड्स 20 सेंटीमीटर की ही होंगी। तो ओ ए मीन्स ये इसके बीच में स्क्वायर बोला और ओ ए 20 सेंटीमीटर, मीन्स ये सारी साइड्स 20 सेंटीमीटर हो गई हैं स्क्वायर की। तो बेसिकली इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दो। तो अब हम क्या करेंगे?
क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस करने वाले हैं, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट वो वाला सेक्टर होता है जिसका एंगल 90 का हो, सो थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। स्क्वायर की साइड्स की तो वैल्यू पता है हमारे को, ठीक है, स्क्वायर की साइड्स की वैल्यू तो पता है। बेसिकली हमारे को पता क्या नहीं है, ये रेडियस क्या होगी इसकी। स्क्वायर की तो पता है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है। मीन्स हमारे को एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, जो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर की साइड 20 है, तो अब बेसिकली पंगा क्या है, रेडियस कैसे निकालें इस क्वाड्रेंट की। तो मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करी, ये कंस्ट्रक्शन कर दी। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। सो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में लगाने से होगा क्या, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस कितना देखो 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी कितना है 20 का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 400, दैट इज 800। सो स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, √800। ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, मीन्स ये हाइपोटेन्यूस ओ बी होगा, तो ये मेरे पास √800 आ गया। ओ बी देखो रेडियस भी है, सेंटर से लेके सर्कल तक जो सी चीज़ टच करती है वो रेडियस होती है ना। रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके एंड तक। ये सेंटर ऑफ द क्वाड्रेंट है और उसने सर्कमफ्रेंस तक टच करा, ये रेडियस हो गई है। तो मेरे पास थीटा 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए बोला, इंटू 3.14। रेडियस कितना है, √800 का स्क्वायर माइनस साइड कितनी है 20 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर आने लगा, तो यहाँ पे 9 1 9 4 36, तो मेरे पास क्या आ गया, 1/4 इंटू 3.14। स्केयर रूट 800 को क्या लिख सकते हैं, 800 स्केयर के साथ स्केयर रूट कट गया, माइनस 20 का स्केयर क्या हो गया 400, 20 का स्केयर 400 हो गया। अब ये डेसिमल हटा तो नीचे दो जीरोज आए, ये इसके साथ कट गया, 4 2s are 8 हो गया। तो मींस बेसिकली अब मेरे पास क्या हो गया, 314 × 2 = 628 −400, 628 −400 = 228। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया और एक क्वेश्चन खत्म हो गया।